मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी विरासत और परंपराओं पर गौरव करना चाहिए, नई पीढ़ी के द्वारा अपनी विरासत को आगे बढ़ाना ही विकास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चित्रगुप्त मंदिर सभा बधाई के पात्र है। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा से जुड़ी यह संस्था वट वृक्ष बन गया है। कहा है कि मैं अनेक बार यहाँ आया हूँ, हर बार वही आत्मीयता और भावनात्मक लगाव है मुझे। यहाँ आने पर महसूस होता है कि इस विशाल वट वृक्ष को लोक कल्याण के कार्य में लगाकर आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस सहित कायस्थ समाज के तमाम लोगों के योगदान को याद करते हुए कहा कि हमें इन सभी से प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। वहीं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि चित्रगुप्त मंदिर कायस्थ को एक करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कायस्थ के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और देश में गोरखपुर का नाम, प्रदेश सरकार उनके साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चित्रगुप्त मंदिर में आने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने कहा, मैं चित्रगुप्त मंदिर महासभा सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव अध्यक्ष, आज के 58वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम लोग आज पदार्पण यहाँ हुआ है, उनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही उनके डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एवं हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी शब्दों के साथ हम विराम देते हैं आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थिति का। और हमारे मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर के पीठाधीश भी हैं। यहाँ पर प्रदेश कायस्थ महासभा के अध्यक्ष आदरणीय उमेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष मंदिर सभा भाई श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, मंत्री मंदिर सभा श्री नंद प्रकाश श्रीवास्तव जी, भाई हरिनंदन श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जी, अभिषेक जी, हृदय नारायण श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच एवं मेरे सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, आज मंदिर स्थापना दिवस पर और होली के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। चित्रगुप्त मंदिर सभा के आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त मंत्री सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिनंदन लाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओपी वर्मा जी, चित्रगुप्त मंत्री सभा के अध्यक्ष श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित चित्रगुप्त मंदिर और कायस्थ महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मंदिर की स्थापना के अवसर पर
आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में यह एक विरासत है, भगवान चित्रगुप्त की परंपरा को उन आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में निकाल करते हुए किसी महापुरुष ने जमीन दान दी। यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर के मंदिर निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाया और देखते देखते 80 वर्ष तक आते आते अपने आप में विराट वटवृक्ष बन गया। चित्रगुप्त मंदिर में ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आ रहा हूं, अनेक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और हर बार वही आत्मीयता, वही एक भावनात्मक लगाव जो आपके कुटुंबों में गोरखपुर के लिए देकर के किसी विशाल वृक्ष को लोक कल्याण का एक माध्यम बनाया है। और हम सबको अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी विरासत को विस्तृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर और अलग अलग प्रतिष्ठित स्थानों पर कायस्थ महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के मंत्र बनकर के उठे थे। देश की आजादी के लिए तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक समृद्ध विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है और वह विरासत है राष्ट्र सेवा की, राष्ट्र समर्पण की, राष्ट्रभक्ति की, भारतीयता के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की, जिस पर हर भारतीय अपने आप को गौरव की अनुभूति कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि चित्रगुप्त मंदिर स्थापना काल से ही उस राष्ट्रीय प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति की ही स्थली के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए निरंतर समाज के हर तबके को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और इसलिए यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये तो जो कुछ भी समाज ने हमें दिया है सरकार उसी को आपको वापस दे रही है कि नहीं, ये तो कभी मुफ्त कोशिश कर तो फिर युवा समर्थे के भाव के साथ जो कुछ भी आपके संस्कार हैं, आपका योगदान है, उसमें सरकार आपको वापस कंट्रीब्यूशन करके आपके साथ जुड़ करके कार्य करना चाहती है। और वही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये संयोग है कि जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था तो आज के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे सामने जो भी प्रस्ताव चित्रगुप्त मंदिर, मुंशी प्रेमचंद जी, फिर आप गोरखपुरी जी, या इस समृद्ध परंपरा के बारे में जो कुछ भी करने का अवसर राज्य शासन को प्राप्त होगा, हमें इसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी और हमें